उनकी तरह हम रोने वाले नहीं कि लोकसभा में जाकर रोएं, लेकिन सरकार बदलेगी तो योगी जी के ऊपर मुकदमा होगा तो निश्चित है कि वो फिर जाकर रोएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना तो रोते हैं और ना महाअंदर के कार्यकर्ता रहेंगे और ना उनसे डरते। तो योगी जी रोएंगे, फूट फूट कर रोएंगे, जैसे रोए थे चंद साल पहले केशव देव मौर्य रुलाएंगे, दावा कर रहे हैं, चैलेंज भी दे रहे हैं। पार्टी है महान दल, नाम से ही महान, लेकिन उसके महान नेता का भाषण सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बदले से भरा हो, जैसे आज सरकार बन जाए तो आज के आज ही योगी जी से बदला पूरा कर लेंगे। अखिलेश यादव भी इन्हें महान नेता कहते हैं, अखिलेश यादव इन्हें असली केशव मौर्य बताते हैं, लेकिन असली केशव मौर्य तो सीधे महाभारत पर उतर आए। जन आशीर्वाद यात्रा से कोरोना नहीं फैलता, महान दल और समाजवादी पार्टी की जन आक्रोश यात्रा से कोरोना फैलता है, और हमें परमिशन नहीं दिया गया पीलीभीत में, हमारी यात्रा को बाधित किया गया, 250 गाड़ियां हमारी गेट में बंद कर दी गई, हाल में ग्राउंड में बंद करके, और हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, हमारे साथ समाजवादी साथियों के ऊपर सैकड़ों की संख्या में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन योगी सरकार को ध्यान लेना चाहिए कि महान दल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके मुकदमे से, उनकी तरह हम रोने वाले नहीं कि लोकसभा में जाकर रोएंगे, लेकिन सरकार बदलेगी तो योगी जी के ऊपर मुकदमा होगा तो निश्चित है कि वो फिर जाकर रोएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना तो रोते हैं और ना महान दल के कार्यकर्ता रोएंगे और ना उनसे डरते। इस वक्त महान दल की जन आक्रोश यात्रा चल रही है, इसी जन आक्रोश यात्रा के तहत केशव देव मौर्य पहुंचे थे बदायूं, जहां प्रेस सम्मेलन चल रहा था, मीडिया फुटेज कभी इतना मिला नहीं, कैमरे ऑन थे और मीडिया के सामने केशव देव मौर्य कहने लगे कि बीजेपी के लिए कोरोना नहीं है, लेकिन जब दूसरे दल रैली या यात्रा करते हैं तो कोरोना का हवाला देने लगती है सरकार। दरअसल पीलीभीत में केशव देव मौर्य की जन आक्रोश यात्रा को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, उनका आरोप है कि उल्टा समाजवादी पार्टी और महान दल के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। केशव देव मौर्य यही नहीं रुके, योगी सरकार पर दनादन हमले जारी रहे। उनकी तरह हम रोने वाले नहीं कि लोकसभा में जाकर रोएंगे, लेकिन सरकार बदलेगी तो योगी जी के ऊपर मुकदमा होगा तो निश्चित है कि वो फिर जाकर रोएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना तो रोते हैं और ना महान दल के कार्यकर्ता रोएंगे और ना उनसे डरते। वैसे एक बात तो साफ है, योगी सरकार के कई फैसले सवालों के घेरे में रहे, लेकिन दूसरी सरकारों ने जैसा बोया वैसा ही काटा। पिछली सरकारों में भी बीजेपी के नेताओं का हेलीकॉप्टर और रैलियों को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगा, अब जब खुद उन पर बात आई है तो उन्हें परेशानी हो रही है। सियासत का यही तो दस्तूर है, रोने वाला हंसता है और हंसने वाला रोता है।